बैक साइड में हम इस शेप में पाइपिंग लगाना सीखेंगे, जो सबसे टफ काम होता है। अगर आप बिगिनर हो तो बैक में पाइपिंग लगाना स्किप कर दीजिए। पहले मैं मार्किंग कर लूँगी। कैनवास वाला पार्ट इस तरफ है। इसी लाइन पे हम पाइपिंग लगा लेंगे। अभी आप वीडियो बनाना। देखो, अगर आपकी पाइपिंग एक बार में इस तरह से अच्छी नहीं बने, दोबारा आपको सिलाई मार लेनी है। अभी मैं अपनी पाइपिंग को मैं पाइपिंग को एक बार दोबारा सिलाई मार रही हूँ। यहाँ से हम लगाने स्टार्ट करेंगे, इस पॉइंट से। कट लगाते जाएंगे पीछे जहाँ जरूरत पड़ेगी। जितनी देर हमें आज पाइपिंग करने में लगी है, कल उतने टाइम में हमारा ब्लाउज बन गया था। सो पाइपिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, डीमोटिवेट नहीं होना। बिल्कुल भी इसमें आगे सिलाई नहीं चली जानी चाहिए, आगे सिलाई गई तो गया काम से। अभी हम पूरे पे एक और सिलाई लगा लेंगे, वन मोर स्टिच ऑन होल पार्ट। चलो, अभी इसके ऊपर हमें वो मेन पार्ट रखना है, लेकिन इससे पहले हमें प्रॉपर कट लगाना होगा। यहाँ रेड वाले फैब्रिक के साथ प्रॉपरली कट मेकिंग बनाओ वीडियो, उसमें भी जूम आउट ही रहने चलेगा। एकदम डीप कट। अब इसके ऊपर हम हमारा मेन फैब्रिक रखेंगे, इसके ऊपर नहीं, इसके नीचे। ये भी इसके ऊपर स्टिच करना है। इस बात का ध्यान रखना है कि रेड वाली पाइपिंग का कपड़ा थोड़ा भी इस तरफ ना आ जाए। पहले सेंटर में सिलाई कर लेते हैं, बड़ी सिलाई, ताकि हिले ना। अब देखो, लास्ट में जहाँ हमने दोनों पाइपिंग मैच की थी उसको इस तरफ रखेंगे, सारे पार्ट को हम इस तरफ रखेंगे। अंदर वाले साइड फुल क्लियर होना चाहिए।
अभी सब क्लियर है, अभी हमें वापस कट लगाना होगा एक बार। पहले एक देख लेते ऊपर से कहीं धागे वागे तो नहीं दिख रहे। कहीं से धागे और थ्रेड वगैरह नहीं दिख रहे, कट लगा लेते हैं। पूरा डीप कट लगाना होगा। ये स्टिच खोलनी पड़ेगी अभी। मिशन सक्सेसफुल। अगर हम इसके जगह अगर बॉटम थिक कैनवास डालते तो एकदम परफेक्ट शेप आता और भी अच्छा। बस कहीं से भी थ्रेड नहीं दिख रहा, यहाँ से थोड़ा थ्रेड दिख रहा है, थोड़ा सा अंदर से लाइन लगा देते। चलो अब इसको आयरन कर लेंगे।